हेलो दोस्तों, तो चलिए हम देखते हैं इसमें समर यूथ ओलंपिक 2018। ये जो समर यूथ ओलंपिक है, ये कॉन्सेप्ट दिया था जॉन रोस रॉन जॉब 1998 में दिया था इसे कॉन्सेप्ट। इसमें बता दें आपको कि 14 से 18 एज वाले खिलाड़ी जाते हैं, भाग लेते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम जो हुआ था, ये हुआ था सिंगापुर में 2010 में। इसमें भारत ने 8 मेडल जीते थे, गोल्ड एक भी नहीं जीता था। और जो सेकंड हुआ था समर ओलंपिक यूथ ओलंपिक, ये हुआ था नानजिंग चाइना में 2014 में। इसमें 2 मेडल जीते थे, गोल्ड एक भी नहीं जीता था भारत ने। थर्ड हुआ जो अभी इसी बार बुएनस एयर्स अर्जेंटीना में 2018 में। एशिया से पहली बार ऐसा हुआ है कि एशिया से दूसरी आउटसाइड हुआ है पहली बार। और जो हमारा चौथा है, ये होगा डकार सेनेगल में 2022 में, ठीक है। यही विंटर की भी बात कर लेते हैं, 2012 में हुए थे इंसबरग ऑस्ट्रेलिया में, 2016 में हुए थे दूसरे लिनहामर नॉर्वे में, और 2022 में 2020 में होंगे अब लॉसनेन स्विट्जरलैंड में। इस बार के देखते हैं हम, समर यूथ ओलंपिक 2018 के देखते हैं कहाँ हुए। तीसरा, ठीक है, तीसरा ओलंपिक है समर। इसका मोटो स्लोगन रहा है फील द फ्यूचर, मॉस्कोट रहा है शुभंकर पांडी। इसे जगुआर या यगुएट रेट वो ही बोलते हैं। इसमें नेशंस मतलब देशों ने शामिल लिया है, भाग लिया है 206 ने, 239 इवेंट हुए, 32 स्पोर्ट्स में गेम में। इस बार की सेरेमनी हुई है जो ओपन हुई थी 6 अक्टूबर को, एक ही थी मारिसियो माक्री प्रेसिडेंट थे अर्जेंटीना के, और ये ओवलियस को डी बोनस एरियास में हुआ था। और जो क्लोजिंग हुई है यूथ ओलंपिक विलेज में हुई है 18 अक्टूबर को, ठीक है। इस बार कुछ गेम्स खेले गए जो पहली बार डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट के रूप में, मतलब इसमें कोई भी मेडल नहीं दिया जाएगा इस बार, अगर अच्छा रहा प्रदर्शन तो अगली बार इन्हें जोड़ा जाएगा। इसमें पहला है कार्टिंग पोलो फ्रोकैश, फर्स्ट टाइम 3 कंट्री ने भाग लिया है इसमें, कोसोवो साउथ सूडान इस बात नहीं, इसे अभी नाम बदल के स्वाजीलैंड का किया गया है, ठीक है, इस बात नहीं रखा गया। मेडल टेबल की बात करें तो समर ओलंपिक यूथ ओलंपिक की, तो इसमें 744 मेडल जीते गए इस बार रहे, 240 थे गोल्ड, 241 सिल्वर, 263 ब्रॉन्ज। इसमें रहा है रसिया पहले नंबर पर रहा है, 59 मेडल जीते हैं, 29 गोल्ड, 18 सिल्वर, 12 ब्रॉन्ज। दूसरे नंबर पर हमारा चाइना रहा है पड़ोसी, 36 इसने कुल जीते हैं, जिसमें से 18 रहे हैं इसके सिल्वर गोल्ड, 9 सिल्वर, 9 ब्रॉन्ज। तीसरे नंबर पे जापान रहा है, 39 जीते हैं, 15 गोल्ड, 12 सिल्वर, 12 ब्रॉन्ज। चौथे नंबर पे मिक्स एनओएस रहा है, मतलब सबने मिक्स खेलते हैं सब खिलाड़ी सभी देशों के, कुछ उनका रहा है 39 जीते हैं सबने मिलके, 13 गोल्ड, 13 सिल्वर, 13 ब्रॉन्ज। चौथे नंबर पे देश के क्रम में रहा है हंगरी, ठीक है, 24 इसने मेडल जीते हैं, 12 गोल्ड, 7 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज। पांचवें नंबर पर इटली रहा है, 34 जीते हैं, 11 गोल्ड, 10 सिल्वर, 13 ब्रॉन्ज। चलिए इंडिया की बात करते हैं, इंडिया रहा है 17वें रैंक पे, इसमें भाग लिया था इंडिया से 46 एथलीट्स, 13 स्पोर्ट्स में भाग लिया था और 36 इवेंट हुए। इंडिया की जो फर्स्ट टाइम जो इंक्लूड टीम हुई है, मतलब फर्स्ट टाइम टीम गई है हॉकी और क्लेविंग में गई है। फ्लैग बियर देख लेते हैं इंडिया की, ओपनिंग सेरेमनी में रहे हैं मनु भाकर, ये हरियाणा की हैं, शूटिंग की खिलाड़ी हैं। क्लोजिंग सेरेमनी में रहे हैं जेरेमी लाल रेनुंगा, ये मिजोरम के हैं, फर्स्ट गोल्ड जीता था इन्होंने जीता। मेडल देख लेते हैं, 13 मेडल मिले हैं कुल, 3 गोल्ड, 9 सिल्वर,
एक ब्रॉन्ज। फर्स्ट टाइम यूथ ओलंपिक मेडल में तबाबी देवी ने जीता है। मनु भाकर है जो गोल्ड मेडल यूथ में ओलंपिक में पहली फर्स्ट गर्ल्स ने जो मतलब हुए हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। गर्ल्स एवं बॉय ने हॉकी टीम में सिल्वर जीता है। ठीक, हॉकी को पहली बार शामिल किया गया। गोल्ड देख लेते हैं तो इसमें जेरेमी लेल लाल रिंगवा रहे जो इन्होंने बेटली फिटिंग में जीता है। मनु भाकर रही है ये शूटिंग में जीता है। ठीक, और तीसरा जो गोल्ड जीता है सौरभ चौधरी ने ये यूपी के शूटिंग में जीता है इन्होंने। ठीक, सिल्वर देख लेते हैं तो इसमें तबाबी देवी रही जूडो में, तुषार माने रहे ये शूटिंग में, मेहुली घोष रहे ये शूटिंग में, लक्ष्य सेन रहे बैडमिंटन, सिमरन रही ये ब्रेस्टलिंग, सूरज पनवार रहे एथलीट्स हैं जी, आकाश मलिक अर्ची में। ठीक, अर्चरी। ब्रॉन्ज है जो एक जीता है प्रवीण चिट्रेवल एथलीट्स हैं ट्रिपल जंप में। मिक्स एनओसी जो रहे हैं मिक्स, इसमें लक्ष्य सेन बैडमिंटन में गोल्ड जीता है मिलकर, तबाबी देवी रही जोड़ू सिल्वर, मनु भाकर रहे हैं शूटिंग में 10 मीटर सिल्वर जीता है मिक्स एनओसी। ठीक, चलिए तो हमने देख लिया इसमें समर यूथ ओलंपिक खेलों के बारे में 2018 के। चलिए इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं।